चलो दोस्तों, आज हमें क्या पढ़ना है यार। ठीक है, हमने लास्ट क्लास में क्या खत्म करा था? हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था मेंडल के बारे में, और उसने पी प्लांट को ही क्यों सिलेक्ट करा था। मतलब ये कि पी प्लांट जल्दी ग्रो कर जाता है, ज्यादा कॉन्ट्रास्टिंग फीचर दिखाता है, सेल्फ और क्रॉस पोलिनेशन दोनों दिखाता है। मतलब ये सारे कैरेक्टरिस्टिक थे जिसकी वजह से हम कंसिडर कर रहे थे कि हमको पी प्लांट लेना है। अब बात आती है आज का जो मेन टॉपिक है ना, मेन टॉपिक के अंदर सिंपल एक चीज है, तो मैं वो समझाना चाहते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और इससे पहले आता है लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, ये दो लॉ मेनली तुम्हें समझने हैं। इन दो लॉज को समझने के लिए तुम्हें एक टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, डेट इज मोनोहाइब्रिड। देखो, मोनोहाइब्रिड का मतलब क्या होता है? ठीक है, मोनोहाइब्रिड डायहाइब्रिड दो तरह के क्रॉस है। ठीक है, हमारे सिलेबस में मेनली मोनोहाइब्रिड है, लेकिन डायहाइब्रिड भी पढ़ाया जाता है। ठीक है, दिमाग लगाना जरा ध्यान से। इन दो को समझने के लिए क्या है, पूरा डिटेल में समझना जाएगा, जब तुम्हें मोनोहाइब्रिड समझ में आ जाएगा। मोनोहाइब्रिड क्या होता है? देखो, मोनो का मतलब होता है एक, हाइब्रिड का मतलब होता है क्रॉस कराना। मतलब ये कि उसने सात कैरेक्टरिस्टिक कंसीडर करे थे, मैंने क्या बताया था, उसमें से तीन कैरेक्टरिस्टिक सिर्फ हमें समझने। ठीक, उन तीन में से अगर मैं सिर्फ एक कैरेक्टरिस्टिक को एक बारी में यूज कर रहा हूँ अपनी चीजों को समझने के लिए, कि कैसे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है, तो इस चीज को समझने के लिए अगर मैं सिर्फ एक कैरेक्टरिस्टिक को कंसिडर कर रहा हूँ तो उसको कहते हैं मोनोहाइब्रिड। अगर एक साथ दो कैरेक्टरिस्टिक ले रहा हूँ तो उसको बोलेंगे डाईहाइब्रिड। मान लो फॉर एग्जाम्पल, मैं एक कैरेक्टरिस्टिक कंसिडर कर रहा हूँ, मान लो हाइट या फिर कलर या फिर शेप, तो एक ही कैरेक्टर कंसिडर कर रहा हूँ उसको कहेंगे मोनोहाइब्रिड। ठीक है, अगर मैं एक साथ दो कैरेक्टरिस्टिक कंसिडर कर रहा हूँ तो उसको बोलेंगे डाईहाइब्रिड। समझ में आया मैंने क्या बोला? तुम्हारे मतलब जो आज की वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 51 थी। ठीक है, उसके अंदर जो एग्जाम्पल दे रखा है वो कलर के ऊपर दे रखा है। ठीक है, तुम अगर कलर के ऊपर समझते हो सबका आंसर बिल्कुल सेम आएगा। हम एंड में आके एक रेशियो निकालेंगे जिसमें आंसर बिल्कुल सेम आएगा। ठीक है, लेकिन अगर तुम्हें वो समझना है तो वहां पे तुम कलर का समझ सकते हो, मैं हाइट के ऊपर बता देता हूँ। ठीक, जो तुम्हारी एनसीईआरटी में भी है आया समझना, लेकिन आंसर सबका सेम आएगा। इसको समझने से पहले तुम्हें दो शब्द समझने पड़ेंगे। सबसे पहले सुनना, ये समझना है हमको मेनली। ठीक है, इसको अभी के लिए मिटा देते हैं। ठीक है, हमको इसको समझने के लिए दो वर्ड तुम्हें याद रखने हैं। दो वर्ड कौन कौन से हैं? एक वर्ड है डोमिनेंट और एक वर्ड है रिसेसिव। सुनो, मान लो फॉर एग्जाम्पल, एक कमरे में दो बंदे हैं। ठीक, एक ज्यादा ताकतवर है और एक बिल्कुल कमजोर सा है। ठीक है, तो जो ज्यादा ताकतवर होगा वो कौन होगा? वो डोमिनेंट होगा, जिसका असर देखा जाएगा, और जिस पर वो अपना असर दिखाएगा वो कौन होगा? वो रिसेसिव होगा। हर कैरेक्टरिस्टिक के यही होते हैं। जैसे हाइट एक कैरेक्टरिस्टिक है, इसके भी दो कैरेक्टर है, एक टॉल होगा या तो ड्वार्फ होगा। मान लो कोई प्लांट है, या तो वो टॉल होगा या तो बिल्कुल ड्वार्फ होगा। अब तुम बोलोगे भैया मीडियम साइज का भी तो हो सकता है। यही दिक्कत थी, मेंडल ने कोई भी मिडल साइज को कहीं पे भी यूज नहीं करा था। मान लो फॉर एग्जाम्पल, एक फ्लावर है, उसने बोला था या तो रेड होगा या तो व्हाइट होगा, पिंक भी तो हो सकता है, उसने ऐसा कुछ कंसिडर नहीं करा। इसीलिए हम हाइट यूज कर रहे हैं, या तो टॉल होगा प्लांट या तो बिल्कुल ड्वार्फ होगा, मतलब छोटा होगा। ठीक है, अब मेरे पास क्या है, अब इसमें से डोमिनेंट कौन हो गया? टॉल। क्योंकि अगर टॉल और डॉफ को एक साथ रख दोगे तो अपना असर कौन दिखाएगा? टॉल अपना असर दिखाएगा, इसलिए वो डोमिनेंट हुआ। और वो किस पर असर दिखा रहा है? डॉफ, तो वो क्या हुआ? रिसेसिव हुआ। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? दिमाग लगाना जरा ध्यान से। तो इसका मतलब, मैं अगर हाइट कैरेक्टरिस्टिक ले रहा हूँ तो हाइट में दो चीजें आएंगी, एक आएगा टॉलनेस और एक आएगा डॉफनेस। ठीक है, अब देखो यार, टॉल को किसी चीज से डिनोट करना पड़ेगा, है कि नहीं? तुम्हारी क्लास में तुम्हारे को किसी से डिनोट कर दे, तुम्हारे नाम से। वैसे इसका एक कैरेक्टरिस्टिक है, इसको एक नाम देना पड़ेगा। तुम ए टू जेड कोई सा भी अल्फाबेट यूज कर सकते हो। हम ज्यादातर कौन सा यूज करते हैं? इसका पहला अल्फाबेट। ठीक है, ज्यादातर अपनी कन्वीनियंस के लिए, तो उसको टी से डिनोट किया जाएगा। ठीक है, दूसरी बात ये कि कभी भी सिंगल चीज से डिनोट, इसको कहते हैं एलील। अगर तुम्हें याद रखना है कि क्या लिख रहा हूँ, एलील है। ठीक है, कभी भी एलील सिंगल नहीं होता, डबल होता है। वैसे मेंडल ने इसको फैक्टर बोला तो बात अलग है। तो मेरे को कैपिटल टी से डिनोट करना पड़ेगा, तो इसमें टॉल को मैं कैसे डिनोट करूंगा? कैपिटल टी, कैपिटल टी। ठीक है, अब देखो यार, अब तो मतलब कि भैया ड्वार्फ को भी किसी भी चीज से डिनोट कर सकते हैं, क्यों ना इसको डी से कर दें? नहीं यार, ऐसा नहीं हो सकता। तो तुमने डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक के लिए जो अल्फाबेट लेना, वो तुम कुछ भी ले सकते हो, लेकिन मजबूरी है कि रिसेसिव में तुम उसका स्मॉल अल्फाबेट लेना पड़ेगा। समझना है, अगर तुम उसको ए मान लेते ना, ए ए कैपिटल ए कैपिटल, तो इसको स्मॉल ए मानना पड़ता। कुछ भी मान सकते तुम डोमिनेंट वाले को, लेकिन रिसेसिव को उसी के हिसाब से मानना पड़ेगा। ठीक है, तो मजबूरी है तुम्हारी, इसको क्या मानना पड़ेगा? स्मॉल टी, स्मॉल टी। आया समझ में क्या कह रहा हूँ? अब बात आती है कि मोनोहाइब्रिड। देखो, मोनोहाइब्रिड तो मैं सिर्फ एक हाइट को कंसिडर कर रहा हूँ, मैं इसके साथ साथ अगर कलर को भी ले लूँ तो वो डायहाइब्रिड होगा, शायद वो नेक्स्ट वर्कशीट में जोड़ दें। आया समझ मैंने क्या बोला? तो क्रॉस नहीं दिखा रहा, वो हम करेंगे। आ रहा समझ मैंने क्या बोला? सुनना जरा ध्यान से। देखो, सबसे पहले आया, सबसे पहले पेरेंट्स आए। पेरेंट में कौन होगा? सबसे पहले पेरेंट में होगा एक टॉल प्लांट और एक ड्वार्फ प्लांट।
ठीक है, फिर हम लिखेंगे इसके गैमेट्स। टॉल के गैमेट्स क्या होंगे, कैपिटल टी कैपिटल टी, और ड्वार्फ के गैमेट्स क्या होंगे, स्मॉल टी स्मॉल टी। आया समझ, मैंने क्या बोला, कैपिटल टी कैपिटल टी उसके स्मॉल टी स्मॉल टी। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे इसका, ठीक है, दिमाग लगाना जरा ध्यान से, ठीक है। पेरेंट गैमेट, अब इसको जब क्रॉस करेंगे तो देखो यार होता क्या है, तो मैथमेटिक्स में करते हो एक ब्रैकेट होता है उसके अंदर वाले सारे सारे मल्टीप्लाई करते हैं, वैसे यहाँ पर होगा, और उसको क्या नाम देंगे, उसको नाम देंगे एफ वन जनरेशन। एफ का मतलब क्या, एफ को वैसे बोलते हैं फीलियर, ठीक है, मैं हर वर्ड का मतलब बता रहा हूँ, काम का नहीं है उतना, तुम वर्कशीट को रीड आउट कर लेना, फिर ये देख लेना, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि मैंने एक्स्ट्रा क्या बताया है, ठीक है। ज्यादा मैं एक्स्ट्रा बता भी नहीं रहा क्योंकि वर्कशीट है, रेगुलर क्लास नहीं है, तो रेगुलर क्लास में और ज्यादा डिटेल में होती चीजें, ठीक है, सुनना जरा ध्यान से। तो ठीक, टॉल को हम इससे डिनोट कर रहे हैं, तो ये जो कैपिटल टी एक बार इससे क्रॉस करेगा, एक दूसरा वाला इससे क्रॉस करेगा, मैं दिखा रहा हूँ उसे, तो पहली जनरेशन जो आती है उसको कहते हैं एफ वन, बस नाम दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, सुनना। तो इन दोनों को जो क्रॉस करके जो जनरेशन आएगी वो क्या होगी, एफ वन जनरेशन होगी। सुनो, पहला वाला पहले वाले के साथ कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है, पहला वाला दूसरे वाले के साथ अभी भी कैपिटल टी स्मॉल टी, दूसरा वाला पहले वाले के साथ कैपिटल टी स्मॉल टी, दूसरा वाला दूसरे वाले के साथ कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। तो देखना सारे ये आए, अब ये बात आती है कि भैया कैपिटल टी का तो टॉल होता था, स्मॉल टी का तो ड्वार्फ होता था, तो कैपिटल टी स्मॉल टी में कौन जीतेगा, तो जो डोमिनेंट होगा, है ना भाई, मैंने पहले बोला था ना कि जो ताकतवर होगा वो जीतेगा, इस चीज को बताने के लिए वो ये यहाँ पर समझानी थी मुझे, मैंने पहले बता दी तुम्हें, अब तुम खुद बताओ इन दोनों में से कौन जीतेगा, कैपिटल टी, और कैपिटल टी किस चीज को डिनोट करता है, टॉल को, तो ये प्लांट क्या निकल कर आएगा, टॉल है, इसके पास कैरेक्टरिस्टिक ड्वार्फ का भी, लेकिन होगा ये टॉल ही। आरएस में मैंने क्या बोला, समझ जरा ध्यान से, ये टॉल है, ठीक है, ये इसमें भी कैपिटल टी जीतेगा, तो ये भी टॉल हो, इसमें भी टॉल हो, और इसमें भी टॉल हो। आया समझ मैंने क्या बोला, अब बता इसका कंक्लूजन तुम्हारी बुक में, मतलब हमको पढ़ना नहीं है, मैं देख लेता हूँ कंक्लूजन है कि नहीं, ठीक है, ऐसे कंक्लूजन है नहीं, ठीक है, लेकिन कंक्लूजन जब निकला ना वो सर पकड़ के बैठ गया था मेंडल, क्यों भाई, क्योंकि उसने क्रॉस कराया था टॉल और ड्वार्फ को, और सारे टॉल निकल कर आए हैं भाई, एक आध तो ड्वार्फ निकल कर आ जाता, एक आध मीडियम हाइट का भी निकल कर आ जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, समझाया मैंने क्या बोला। अब बात आती है इसके रेशियो की, तो रेशियो एफ वन में कभी निकलता, हमको एफ टू निकालनी पड़ेगी। अब एफ टू में मतलब क्या, देखो देखो यार, जो F1 में जो आए हैं ना उनमें से कोई भी दो उठाओ, उनको आपस में क्रॉस करा दो, ये पेरेंट थे, ठीक है, ये जायगोट है, ये जायगोट भी तो कभी पेरेंट बनेंगे ना, तो इनको उठा के सेल्फिंग करा दो, इसको कहते हैं सेल्फिंग, ठीक है। अब कौन से दो उठाऊंगा ये दिक्कत है, तो सारे सेम ही तो है, कोई से भी दो उठा लो, आ रहा समझाने का, सारे सेम है कोई से भी दो उठा लो, तो सुन लो ध्यान से, इधर देखना, तो मैंने क्या कर रहा हूँ एफ वन की सेल्फिंग करा रहा हूँ, ठीक है, एफ वन की सेल्फिंग, ठीक है। तो अब पेरेंट कौन हो गए, अब पेरेंट हो गए एफ वन में आने वाले एफ वन, ठीक है। गैमेट्स क्या होंगे, गैमेट्स यही होंगे यहाँ से उठा के, तो कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी, सुनना। अब सेम यहाँ पे जैसा क्रॉस करना है, मैंने क्या बोला, सुनना, अब क्या आएगी, अब एफ टू जनरेशन आएगी, जैसे यहाँ पर एफ वन जनरेशन आई थी, सुनना, पहला वाला दूसरा वाला, पहला दूसरा, ठीक है, अभी समझ में आया मैंने क्या बोला, दोबारा वही बात, कैपिटल टी तो टॉल ही होगा, ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी ड्वार्फ, सॉरी टॉल भाई, है कि नहीं, कैपिटल टी कैपिटल किसके बात करना चाहिए, कैपिटल टी की, तो ये भी टॉल, लेकिन इस बार दो स्मॉल टी है, और स्मॉल टी क्या होगा, ये तो भाई पक्का ड्वार्फ होगा, समझ आ रहा है क्या कह रहा हूँ। तो यहाँ पर आ गई हमारी एफ टू जनरेशन, पक्का समझ आया, मैंने क्या बोला, इसको कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ये क्या है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड का मतलब एक कैरेक्टरिस्टिक लो, चाहे हाइट लो, चाहे कलर लो, चाहे शेप लो, कुछ भी लो, मान लो तुम शेप ले लेते, मान लो तुम कलर ले, जो हमारे इसमें दिया हुआ है, मान लो तुम कलर ले लेते, ठीक है, कलर में दो चीज होती है, या तो वायलेट या तो जो भी तुम्हारी बुक में दिया हुआ है, ठीक है, मान लो मैं येलो और ग्रीन ले लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं येलो और ग्रीन कलर ले लेता हूँ, जिसमें से मैं येलो को डोमिनेंट मान लेता हूँ, ग्रीन को रिसेसिव मान लेता हूँ, है ना, तो मैं येलो को किससे डिनोट करता, कैपिटल वाई से, और ग्रीन को किससे डिनोट करता, स्मॉल वाई से, यही तो निकल कर आता, जहां पे कैपिटल टी वहां पे कैपिटल वाई डाल दो, जहां पे स्मॉल टी वहां पे स्मॉल वाई डाल दो, आंसर बिल्कुल सेम आता, बस तुम टॉल की जगह पे ग्रीन येलो बोल रहे होते और ड्वार्फ की जगह पे ग्रीन बोल रहे होते, आ रहा है समझाने का, आंसर तो सेम ही आता है कि नहीं, रेशियो भी सेम आएगा अभी। अब रेशियो की क्या बात है, देखो यार दो वर्ड है यहाँ पे, जैसे भी डोमिनेटर ऐसे वर्ड था, वैसे यहाँ पर दो वर्ड है, ठीक, दिमाग लगाना, दो वर्ड क्या है, एक वर्ड है फिनोटाइप
और एक वर्ड है जीनोटाइप। ठीक है, देखो फिनोटाइप जीनोटाइप का मतलब क्या होता है। फिनोटाइप का मतलब होता है एक, मतलब हम फिनोटाइप का मतलब होता है कि तुम देख के बता सकते हो। ठीक है, मान लो तुम्हारे सामने प्लांट रख दिया जाए तो तुम प्लांट को देखोगे तो है कि नहीं ये प्लांट है। ठीक है, ये प्लांट है तो तुम देख के ही तो बताओगे, तो तुम असलियत में क्या देखोगे, क्या तो टॉल है तो डॉर्फ है ये चीज। लेकिन अगर गैमेट्स की बात आ जाए, ये चीज तब तुम वो क्या नाम है जीनोटाइप बोलोगे। समझा, मतलब अगर तुमसे कोई पूछता है फिनोटाइप तो तुम देख प्लांट में कैसे दिख रहा है, टॉल दिख रहा है या डॉर्फ दिख रहा है, बात खत्म। टॉल दिख रहा है तो टॉल बोलो, डॉर्फ दिख रहा है तो डॉर्फ देखो। समझा है मैंने क्या बोला, तो वो फिनोटाइप हो गई, मतलब फिजिकल अपीयरेंस। समझ आ गया, जीनोटाइप का मतलब जीन्स। ठीक है, तो जीनोटाइप का मतलब जीन्स, तो जीन्स कंसीडर करना, ये इसकी बात चल रही है। तो फिनोटाइप को पहले देखते हैं, तो तीन टॉल है एक डॉर्फ है, तो रेशियो क्या होगा फिनोटाइप 3:1, क्योंकि देख के बताना था। अब जीनोटाइप की बात करते हैं, जीन्स कैसे हैं, कैपिटल टी कैपिटल टी, इसके जैसा कोई और है नहीं, कितने हैं ये एक है, इधर वन लिख दिया है ना, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसके जैसे कितने दो है, तो यहाँ पर टू लिख दिया। ठीक है, और यहाँ पर स्मॉल टी यहाँ पे दोबारा एक लिख दिया। समझा मैंने क्या बोला, एक और चीज बताओ, 3+1 4 होता है, और 1+2+1 भी 4 होता है, और क्रॉस में कितने आए थे वो भी 4 ही थे, ये हो गया क्रॉस चेक। आया समझ में, क्या बोला, इसको कहते हैं मोनोहाइब्रिड। पक्का समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। अब बात आती है कि चलो भैया ठीक है, अब आपको मेनली क्या समझाना है, लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो सर चलो पहले लॉ ऑफ डोमिनेंस की बात करते हैं। समझना, लॉ ऑफ डोमिनेंस का मतलब क्या है, लॉ क्या कहता है, लॉ ये कहता है कि जो भी डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक होगा वो अपना असर दिखाता है। प्रूफ कितना है, ये तो ये लो भाई, ये दोनों साथ में थे, लेकिन बात किसकी मानी, प्लांट कौन सा निकला, टॉल निकला। क्यों भाई, क्योंकि जो डोमिनेंट था उसने अपना असर दिखाया, जो डोमिनेंट था उसने अपना असर दिखाया, देखो है कि नहीं। अगर डिसेसिव भी अपना असर दिखा सकता तो भाई ये ड्वार्फ भी हो सकता था, लेकिन कैपिटल वाले ने अपना असर दिखाया। कैपिटल वाले ने बोला है मेरे सामने कोई आएगा, उसने क्या बोला, उसको हटा दिया। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस का मतलब क्या हो गया, लॉ ऑफ डोमिनेंस का मतलब हो गया जो डोमिनेंट होगा वो अपना असर दिखाएगा, चाहे यहाँ पे देख लो पूरे में, चाहे यहाँ पर देख लो, ये तो दोनों डोमिनेंट डोमिनेंस की तो बात ही हटा दो। इसमें देखो जहाँ पे डोमिनेंट और टॉल जो डोमिनेंट हो जैसे वहीं पे तो तुम कंपेयर कर पाओगे, तो यहाँ पे देखो डोमिनेंट जीत रहा है। आया समझ में मैंने क्या बोला, ठीक है, दिख रहा है ना सब कुछ, डॉग तक का दिख रहा है। ठीक है, समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। अच्छा, दूसरा आता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का मतलब क्या, देखो वर्ड को मतलब समझो पहले, डोमिनेंस का मतलब था जो अपना सर दिखाए, तो मैंने यहाँ पे प्रूफ कर दिया उसको ना। वैसे सेग्रीगेशन का मतलब समझो, सेग्रीगेशन का मतलब होता है अगली जनरेशन में जाने से पहले अलग हो जाना। ठीक है, सेग्रीगेशन का मतलब होता है अलग हो जाना, सेग्रीगेट हो जाना। ठीक है, तो अगली जनरेशन में जब वो गैमेट्स जाते हैं ना तो सेपरेट आउट हो जाते हैं। ठीक है, लॉ ऑफ डोमिनेंस में तुम ये भी बोल सकते हो कि हर एक कैरेक्टरिस्टिक को दो अलील से डिनोट किया जाता है। सर टॉल को मैं कैपिटल डिनोट कर रहा हूँ, दो अलील है ना, हर कैरेक्टर को दो अलील से डिनोट किया जाता है, जिनमें से मतलब दोनों डोमिनेट हो सकते हैं, दोनों रिसेसिव हो सकते हैं, और एक डोमिनेट और एक रिसेसिव हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब भी डोमिनेट और रिसेसिव वाली केस होगा तो हमेशा डोमिनेट वाला जीतेगा। ठीक है, छोड़ो, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पे आओ। सेग्रीगेशन में होता है अलग अलग होना, सेग्रीगेट हो जाना, मतलब दूर दूर अलग अलग हो जाना। ठीक है, और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ये कहता है कि जब भी अगली जनरेशन आएगी ना, जब भी अगली, मेरा हाथ देखना कहाँ पर जा रहा है, जब भी अगली जनरेशन आएगी ना, इधर से देखो, जब भी अगली जनरेशन आएगी ना, उससे पहले जो पहले की जनरेशन है वो दोनों अलग हो जाएंगी, है ना। तो देखो ये दोनों एक साथ कभी भी गए नहीं, ये दोनों एक साथ कभी भी गए नहीं, ये दोनों पहले अलग हुए और ये अलग हुआ, फिर एक दूसरे से क्रॉस बना रहे हैं। आया समझ मैंने क्या बोला, पक्का समझ आ रहा है। इसको कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, मतलब अगली जनरेशन में जाने से पहले, अगली जनरेशन में जाने से पहले सेग्रीगेट हो जाना, अलग हो जाना। बताओ समझ में आया कि नहीं, पक्का समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ, अगली जनरेशन में जाने से पहले अलग अलग हो जाना। पक्का समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ये वही है। ठीक है यहाँ तक, ठीक है। तो लॉ ऑफ डॉम, और यहाँ पे देख लो चाहे तो, यहाँ पे भी तो अलग अलग हुआ, कभी भी कैपिटल टी स्मॉल टी एक साथ गया नहीं। तुम ये मत बोला कि ये तो है, ये है नहीं भाई असलियत में, ये तो इसका और इसका आ गया हो वो अलग बात है, लेकिन एक साथ दोनों उठ के चले जाए कभी भी ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है कि अगली जनरेशन में जाना तो आपको अलग अलग होना पड़ेगा, आपको सेपरेट आउट होना पड़ेगा। आ रहा समझ मैंने क्या बोला, ठीक है, अब सुनना जरा ध्यान से। अब बात आती है इसके क्वेश्चंस की, ठीक है। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन मैंने बता दिया, अगर तुमको वो चीज पढ़नी होगी तो तुम रीड आउट कर सकते हो उसको। ठीक है, एक चीज समझो यार, ठीक है, अब मैं चलो क्वेश्चंस करा देता हूँ। ठीक है, समझना, व्हाट आर डोमिनेंट रिसेसिव एलील, पहला क्वेश्चन है ये।
इतना आसान क्वेश्चन। डोमिनेंट एलील का होता है जो अपना असर दिखाए, द एलील विच शोज इट्स प्रेजेंस ओवर द अदर एलील इज नोन एज डोमिनेंट एलील। दूसरा पूछा है व्हाट इज रिसेसिव एलील, तो द क्या नाम है, द एलील विच डू नॉट गेट एक्सप्रेसेस इटसेल्फ, जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकता इन प्रेजेंस ऑफ अनदर एलील, द एलील विच डू नॉट एक्सप्रेस इटसेल्फ इन प्रेजेंस ऑफ अनदर एलील, और वो अनदर एलील कौन होगा, वो डोमिनेंट होगा, तो जो नहीं दिखा पा रहा वो कौन है, रिसेसिव एलील। मैंने क्या बोला, आगे समझो, ड्रॉ स्केच ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का स्केच बनाना है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दिखाते हुए, ये रहा भाई साहब ये पूरा यही है, ठीक है। तो ये याद रखना कि F1 की सेल्फिंग कराई जा रही है, मेनली इंपॉर्टेंट, ठीक है। F1 कहां से आया, वो F1 यहां से निकल जाता है। एफ का मतलब क्या होता है, पूछेगा तो फीलियर, FILIAL फीलियर, बस कुछ मोनोहाइब्रिड क्रॉस यही है, ठीक है। मैंने प्रूफ करने का तरीका बता दिया, 3+1 4, 1+2 1+1 4, और देखो ये 4 ही है, समझा रहा मैं क्या कह रहा हूँ, इसको समझना, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, लॉ डिफाइन हेट्रोजाइगस, ये टर्म बताना था मुझे। देखो यार दो वर्ड होते हैं, एक वर्ड होता है होमोजाइगस और एक वर्ड होता है हेट्रोजाइगस। एक कैरेक्टरिस्टिक को डिनोट करने के लिए दो एलील आते हैं, सबको पता है, जैसे टॉल 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 को डिनोट करने के लिए कैपिटल डी आया, डॉफ को डिनोट करने स्मॉल डी स्मॉल, दो एलील आ रहे हैं ना हमेशा, इसी चीज को मैं बोल रहा है वो। अगर ये दोनों एलील जो आ रहे हैं ये दोनों बिल्कुल सेम है, इसको कहते हैं होमोजाइगस, ठीक है। अगर ये दोनों एलील बिल्कुल सेम है, ये दोनों क्या होमोजाइगस है, लेकिन जैसे ये दोनों सेम है होमोजाइगस, ये दोनों सेम है होमोजाइगस, लेकिन यहाँ पर देखो ये दोनों अलग अलग है, तो ये हेट्रोजाइगस है। तो व्हाट इज हेट्रोजाइगस, व्हेन एलील्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड, मतलब व्हेन एलील्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, तो उसको क्या बोला, एक ही कैरेक्टर को डिनोट करना है, एक ही कैरेक्टर को डिनोट करने के लिए अलग अलग दो एलील आए, तो हेट्रोजाइगस बोलोगे आप। टॉल को ही डिनोट करना था लेकिन अलग अलग एलील आए, है कि नहीं, यहाँ पे टॉल को डिनोट करना था लेकिन सेम एलील आए, तो वो होमोजाइगस है, लेकिन यहाँ पे टॉल को ही डिनोट करना है लेकिन अलग अलग एलील आए, उसको कहेंगे हेट्रोजाइगस। समझाया मैंने क्या बोला, सुनना आगे। अ ट्रेट मे बी इनहेरिटेड बट मे नॉट बी एक्सप्रेस जस्टिफाइड एज ट्रेनर विद एन इनकम, कह रहा है कि कोई ट्रेट हो सकता है कि आपके पास आ जाए, कोई ट्रेट मान लो आपके पास ट्रांसफर हो गया लेकिन एक्सप्रेस नहीं हो पा रहा, ठीक है। इसको एग्जांपल के तौर पर बताओ, क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा कि आपके पास पेरेंट्स कोई कैरेक्टर आया लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। मान लो फॉर एग्जांपल आपके पास एक कैरेक्टर आया, मदर से आप, मदर की आई कलर ब्राउन था और फादर का ब्लैक है, तुम्हारे पास इन्फॉर्मेशन आई है कि आई कलर ब्राउन होना चाहिए लेकिन फिर भी ब्लैक है कि नहीं, तो इन्फॉर्मेशन तो आई है लेकिन फिर भी एक्सप्रेस नहीं हो पा रही, ठीक है। तो इस चीज को एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करना है, ये रहा एग्जांपल, सब कुछ इसी में भाई, सब कुछ इसी में, क्या है देवता है भाई, ठीक है, सब कुछ इसी में। सुनो खुद देखो, ये इन्फॉर्मेशन आई है ड्वार्फ की भी, है क्या, टॉल के साथ साथ ड्वार्फ की भी इन्फॉर्मेशन आई है लेकिन एक्सप्रेस हो पाई क्या, क्यों नहीं एक्सप्रेस हो पाई, क्योंकि जो दूसरा वाला था ना वो ज्यादा डोमिनेंट था। मैंने जो एग्जांपल दिया उसमें बताता हूँ, फादर से हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई ब्लैक कलर की, ब्लैक आई की, ठीक है, मदर से आई इन्फॉर्मेशन ब्राउन आई थी, लेकिन इस इन्फॉर्मेशन एक्सप्रेस किसकी, फादर की, क्योंकि वो डोमिनेंट था, ठीक है ना। जो डोमिनेंट होगा उसका असर दिखाई देगा और जो डोमिनेंट नहीं होगा उसका असर नहीं दिखाई देगा, सिंपल सी बात है, कहानी है, आया समझ मैंने क्या बोला, ठीक है। तो एग्जाम्पल ये रहा, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, आई कलर कुछ भी लिख सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, जरूरी नहीं है यही वाला लिखना पूरा, आ रहा है समझ में क्या, और यहाँ पे भी लिखोगे तो सिर्फ इतना बताओगे कि ये देखो ऐसा कुछ हो रहा है, ठीक है। लिखोगे कि F1 जनरेशन में अलग अलग थे फिर भी उसी की बात मानी गई, वो दूसरा वाला उसकी बात ही नहीं मान रहे, तो इसका मतलब क्या है कि जरूरी नहीं है जो आया है वो इसकी इन्फॉर्मेशन एक्सप्रेस होगी ही होगी, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, खत्म बात, ठीक है ना। अगर अभी भी किसी को कुछ पूछना होगा तो कमेंट बॉक्स में डाल देना, ठीक है, कमेंट में डाल देना, कोई भी दिक्कत है आई विल ट्राई टू आंसर अगर मुझे टाइम मिल गया तो, ठीक है। लेकिन इससे शायद अगली वर्कशीट में वो क्या जोड़ दें, डायहाइब्रिड जोड़ दें शायद, ठीक है। बाकी चैप्टर एक दो क्लास का ही और होगा क्योंकि इवोल्यूशन वाला टॉपिक मैंने लास्ट क्लास में बताया था डिलीट हो गया, ठीक है। उसके बाद बाकी बस शेयर कर दो यार, शेयर कर दिया, बस ये वर्कशीट के लिए शेयर कर, बाकी कुछ शेयर करो मत करो, वर्कशीट वाला काम शेयर कर दो, क्योंकि देखो लीड बना रहा हूँ ना मैं, कितने बजे 3 बज रहे हैं, ठीक है, नहीं 3 बज रहे हैं, तो सोचो तब शेयर करना बनता है भाई, ठीक है। तो चलो टेक केयर ऑफ मदर, आज का इंपॉर्टेंट है, मम्मी की देखभाल करना जरूरी है, ठीक है, चलो मिलते हैं, बाय बाय। बाकी कोई भी क्वेश्चन होगा तो मेरे डिटेल्स भी है नीचे, वहाँ पे कहीं पे भी डाल सकते हो तुम लोग, कमेंट सबसे कॉमन है वहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। बाकी मिलते हैं, गुड लक।